नमस्कार प्यारे दर्शकों मित्रों, आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर सपनों के इस रहस्यमय संसार में। दोस्तों, ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा करें, आप सभी स्वस्थ हो, निरोग हो, ऐसी मंगल कामना आप सभी दोस्तों के लिए मैं करती हूँ। आज के इस वीडियो में आप सभी के सपनों का परिणाम फिर से पहुँचाने के लिए हाजिर हूँ। दोस्तों, आइए चलते हैं और जानते हैं आज के इस वीडियो में सपने में शंख देखने का क्या परिणाम होता है। दोस्तों, अगर आपने भी स्वप्न में शंख को देखा है तो स्वप्न विज्ञान के अनुसार ये सपना बड़ा ही अच्छा और शुभ संकेतों वाला माना जाता है। स्वप्न विज्ञान कहता है कि ये सपना आगे आने वाले भविष्य में आप किसी रोग से परेशान हैं तो उससे मुक्ति मिलने वाली है, साथ ही साथ आपके जीवन में आर्थिक समृद्धि, धन लाभ इत्यादि का योग बनेगा। आने वाले भविष्य में आपके जीवन में अचानक खुशियां आएंगी, आपको रोग शोक से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, ये सपना बेहद ही शुभ माना जाता है। वैसे भी भगवान श्रीहरि ने अपने हाथों में सुदर्शन चक्र के साथ साथ आपने शंख भी देखा होगा, उनके हाथों में सुशोभित रहता है। और भगवान कहते हैं कि मैं उनके हाथ में जो शंख है उस शंख का नाम बताया पांचजन्य ऋषिकेश हो। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। अपने घर में और जिस जगह पे आप पूजा करते हैं, लक्ष्मी के पास अगर आप दक्षिणावर्ती शंख रखते हैं अपने पूजा गृह में, तो उससे आपको धन लाभ अवश्य ही मिलता है, वास्तु दोष भी नष्ट होता है। शंख के बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों, छोटी सी जानकारी भी आप तक पहुँचाई, आगे भी इसी तरह से मुलाकातें होती रहेंगी। तो दोस्तों, मुलाकात करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सपनों का परिणाम हमारे साथ जानते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।